बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो काम चल रहा है, उस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अब जो हमारा रिमेनिंग काम है बिफोर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, अब हम उसमें कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस को इंट्रोड्यूस करेंगे। वो एलिमेंट्री फंक्शंस जो है वो ऐसे फंक्शन है जो आप रियल एनालिसिस या कैलकुलस वगैरह में पहले भी डिस्कस करते रहे, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, या लॉगरिथमिक फंक्शन है, हाइपरबोलिक फंक्शन है। तो हम अब इन फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो इस बिफोर स्टार्टिंग में सबसे पहले यहाँ पे एक ऑयलर आइडेंटिटी है, वो ऑयलर आइडेंटिटी हम थोड़ी इंट्रोड्यूस कर दें, देन हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे सबसे पहले बात करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले ऑयलर आइडेंटिटी के बारे में हम ये कहते हैं कि ऑयलर जो है आइडेंटिटी जो है, दिस इज समथिंग लाइक दिस, ई एक्सपो इज एक्सपोनेंशियल, e to the power iota theta is equals to cos theta plus iota sin theta. This is called Euler identity. Identity means it will be satisfied by all the values of theta. आपके पास वेदर है वैल्यू ऑफ थीटा कुछ भी हो, ये ऑयलर आइडेंटिटी हमेशा सेटिस्फाई होती है। और एक्चुअली ये हमारे पास एक ऑयलर इक्वेशन थी, उसको यूज कर एक फेमस इक्वेशन थी जिसको यूज करके ऑयलर आइडेंटिटी बनी है, वो होती है ई टू द पावर आयोटा प्लस वन इज इक्व टू जीरो। इस इंफॉर्मेशन को यूज करके ऑयलर आइडेंटिटी बनती है। एनीवे हमारे पास ये ऑयलर आइडेंटिटी है, और इसमें अगर मैं यहाँ पे देखूं इधर आइडेंटिटी वाली ऊपर अप्लाई करूं तो ये हो जाएगा कॉस पाए प्लस आयोटा साइन पाए। ये जो है साइन पाई इज इक्व टू जीरो होता है, एंड कॉस पाई वी नो इट इज माइनस वन, देन माइनस वन प्लस वन विल बी इक्व टू जीरो। तो इसको जो आप कैलकुलेट करते हैं तो ये जो e की पावर आयोटा पाई है, दिस इज बेसिकली इक्व टू माइनस वन। तो दिस इज योर ऑयलर आइडेंटिटी। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो पोलर फॉर्म पढ़ी थी जब हमारा लेक्चर नंबर थ्री के अंदर, उस लेक्चर नंबर थ्री में जो पोलर फॉर्म थी कॉम्प्लेक्स नंबर की वो समथिंग लाइक दिस थी, जेड इज इक्व टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो अगर मैं इस पोलर फॉर्म में ऑयलर आइडेंटिटी को यूज करूं तो ये आ जाएगा वेर इज इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा। तो समटाइम्स जो है हम हमारे पास ये जो पोलर फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, समटाइम्स हम उसको इस फॉर्म में भी राइट करते हैं। तो दिस इज योर ऑयलर आइडेंटिटी। आप जो है हम फॉर्मली जो एलिमेंट्री फंक्शन है, उन एलिमेंट्री फंक्शंस में सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हम बात स्टार्ट करते हैं। वी डिफाइन एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू ई टू द पावर जेड। समटाइम्स कुछ लोग इसको ई एक्स पी जेड भी लिखते हैं, एनीवे दिस इज सेम थिंग एक्सपोनेंशियल जेड। यू नो जेड इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड की वैल्यू आप इसमें कुछ भी पुट कर सकते हैं। आपको ये बात पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब आप रियल नंबर्स कैलकुलस में ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो डोमेन होती थी वो, अगर रियल एनालिसिस में बात करें, यानी कि आपके पास जब डोमेन रियल नंबर्स हो, रियल नंबर्स का फंक्शन हो, तो e की पावर x में अगर डोमेन फाइंड करते थे तो वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होती थी। सिमिलरली एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में भी हम ये कहते हैं, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ये हर जगह एनालिटिक होता है, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये ऐसा फंक्शन है जो कि एनालिटिक एवरीवेयर। एक बात मैं आपको और बता दूं, जो लास्ट लेक्चर में रह गई थी बताने से, हमने हम ये कहते हैं कि कोई भी फंक्शन जो कि हर पॉइंट पे एनालिटिक हो, मतलब जेड की किसी भी वैल्यू पे, हर वैल्यू पे एनालिटिक हो, एवरीवेयर एनालिटिक हो, ऐसे फंक्शन को हम एंटायर फंक्शन कहते हैं। तो यानी कि हम एक बात ये कह सकते हैं कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड एंटायर फंक्शन। अच्छा,
पहले तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो खैर हमने डिफाइन किया e की पावर z, ये इसकी डोमेन क्या है हमने कह दिया एनालिटिक एवरीवेयर, यानी कि दिस इज डिफाइंड एंड दिस इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट. तो ये एवरी पॉइंट मतलब कोई भी पॉइंट ले लें उसके हर नेबरहुड पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा. तो ये एनालिटिसिटी का मतलब हम ऑलरेडी देख चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर. तो ये फंक्शन एनालिटिक. अच्छा e की पावर z, व्हाट इज z? वी नो z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर. z लेट सपोज मैंने कहा z की वैल्यू x प्लस आयोटा y. तो अगर मैं इसमें e की पावर z में ये वाली चीज को सब्स्टिट्यूट कर दूं, ये हो जाएगा e की पावर x प्लस आयोटा y. तो वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज e की पावर x डॉट e की पावर आयोटा y. एंड फ्रॉम ऑयलर्स आइडेंटिटी ये बन जाएगा e की पावर x cos y प्लस आयोटा sin y. तो यानी कि e की पावर z जो है, हम e की पावर z को जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर z है, हम उसको यूजुअली इस फॉर्म में भी राइट करते हैं. अच्छा ये बात हो गई. अब जो अगर मैं इस पे जिस तरह से आप डेरिवेटिव लेते हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो डेरिवेटिव के जो बेसिक फॉर्मूलाज है उनमें कोई चेंजेस नहीं है. अगर आप इधर e की पावर z का डेरिवेटिव लेंगे वही सेम e की पावर z आएगा. अच्छा ये जो है यानी कि हमारे पास दिस थिंग, ये जो ब्रैकेट में बात लिखी है, इस ब्रैकेट वाली चीज को मैं ये कह सकता हूं कि ये जो चीज लिखी है दिस इज योर e टू द पावर आयोटा वाय फ्रॉम ऑयलर्स आइडेंटिटी. तो डेरिवेटिव की बात भी हमने कर ली. अगर मैं इधर आपसे बोलूं कि लेट सपोज आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, वो टोटली एक रियल नंबर है क्योंकि एवरी रियल नंबर इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि रियल नंबर है यानी कि z इक्वल्स टू x है ओनली. यानी कि मैं अगर आपसे कह दूं फॉर z इक्वल्स टू x, आयोटा वाई इसमें मौजूद ही नहीं है, तो हमारे पास ये जो फॉर्म लिखी है e की पावर z की, ये e की पावर z जो है ये रह जाएगा सिर्फ e की पावर x. तो ये e की पावर x क्या होता है, ये e की पावर x ये सेम वही सिर्फ रियल वैल्यूड फंक्शन रह जाएगा. मतलब आपका ये फंक्शन जो है कॉम्प्लेक्स के बजाय ये रियल वैल्यूड फंक्शन बन जाएगा बिकॉज z इक्वल्स टू x है. तो ये जब z x है, इनपुट आप x दे रहे हैं, तो ऐसी बात है हमारे पास यहाँ पे फंक्शन भी रियल वैल्यूड फंक्शन ही मिल जाएगा. अच्छा इसमें अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अगर मैं इन प्रॉपर्टीज को यहाँ पे राइट करूं, तो कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं जो आप एलिमेंट्री क्लासेस के अंदर जो है पढ़ते हैं सेकेंडरी क्लासेस के अंदर. वो प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से होती थी कि आपके पास अगर लिखा हुआ फॉर एग्जाम्पल ई की पावर जेड वन एक कॉम्प्लेक्स नंबर डॉट ई की पावर जेड टू लिखा हुआ है, तो यू नो बेसिस से मल्टीप्लाई पावर उनकी एड हो जाती है, यानी कि ई की पावर जेड वन प्लस जेड टू. सिमिलरली अगर कहीं पे लिखा हुआ ई की पावर जेड वन डिवाइडेड बाई ई की पावर जेड टू इक्वल्स टू हो जाएगा ई की पावर जेड वन माइनस ई माइनस जेड टू. अच्छा इसी तरह से अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हुए हैं पोलर फॉर्म में, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आर वन e की पावर आयोटा थीटा वन और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 टू इक्वल्स टू आर टू e की पावर आयोटा थीटा टू. तो हमें पता है कि अगर मैं इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करूंगा, मल्टीप्लाई करूं या डिवीजन करूं, तो ये अब जो है कोई इतना मसला नहीं है. अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो सिंपली ये जो इनके आर वन आर टू ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये e की पावर आयोटा थीटा वन प्लस थीटा टू हो जाएगा. और डिवीजन में z1 अपॉन z2 में ये r1 अपॉन r2 e की पावर आयोटा थीटा वन माइनस थीटा टू हो जाएगा. तो ये बहुत ही एलिमेंट्री किस्म की चीज है जो ऑलरेडी आप जो है एलिमेंट्री क्लास अपनी सेकेंडरी क्लासेस में पढ़ते रहते हैं कि ये इस तरह की अलजेब्रा को कैसे सॉल्व किया जाता है. तो ये वही सेम प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल है. एक बात अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो फंक्शन दिया हुआ e की पावर z, ये e की पावर z के इक्वल है. अगर मैं इसका मॉड्यूलस ले लूं दोनों साइड पे, तो मॉड्यूलस लेने के बाद होगा ये कि जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का आप जो मॉड्यूलस लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट भी होगा ऑब्वियसली. तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वन के बराबर होता है, तो यानी कि मॉड ऑफ ई की पावर जेड
x के इक्वल हो जाएगा. यानी कि एक बात हम ये कह सकते हैं कि इफ वी टेक मॉड्यूलस ऑफ e की पावर z, देन वी विल कम अप विद e की पावर, दिस विल बी इक्वल टू e की पावर x. तो ये आया कैसे, हमें बात पता है कि ये अगर मैं मॉड्यूलस ले रहा हूं तो मॉड्यूलस लेने का मतलब है कि दिस विल बी इक्वल टू जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मैं मॉड्यूलस लूंगा तो ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वन. मॉड ऑफ ई की पावर जेड इज इक्वल टू ई की पावर एक्स आ गया. और अगर मैं इसमें एक चीज और बोलूं कि व्हाट विल बी द आर्ग्यूमेंट ऑफ ई की पावर जेड, ये जो मेरे पास फंक्शन दिया हुआ इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा. देखिए आपके पास जो ऊपर ये लिखा हुआ था दिस वन, इसमें अगर आप देखें ये कॉस और साइन में एंगल वाई यूज हो रहा है, तो ई की पावर जेड का भी एंगल क्या होगा. बिकॉज हमें ने बात कही है कि जो ब्रैकेट है ई की पावर आयोटा वाई के बराबर है और मॉड ऑफ ई की पावर जेड जो ई की पावर एक्स के बराबर है. तो यानी कि ई की पावर आयोटा वाई में आर्ग्यूमेंट आप क्या कहते हो, मतलब ई की पावर आयोटा थीटा कहीं लिखा हुआ, आप इसमें क्या कह रहे हो कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या है, थीटा है. तो इधर भी मैं कह रहा हूं अगर मेरे पास ई की पावर आयोटा वाई लिखा हुआ है तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म जो है पोलर फॉर्म में जो आर्ग्यूमेंट है ये आपका वाई हो जाएगा. तो यानी कि हमारे पास ये जो दिया हुआ है इस केस में हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ ई की पावर जेड जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में ये वाई ही होगा, बिकॉज ई की पावर आयोटा वाई में वाई इज आर्ग्यूमेंट. तो वाई जो है आर्ग्यूमेंट है और आर्ग्यूमेंट के बारे में हम ये बात पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 3 के अंदर पोलर फॉर्म में, जहां पे बात की थी हमने कहा था ये जो आर्ग्यूमेंट निकालते हैं ये डिटरमाइन किया जाता है अप टू इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ 2π, यानी कि 2π के इंटीजर्स मल्टीपल का मतलब है 2k π. एंड व्हाट इज के, वी नो के बिलोंग्स टू सम इंटीजर, माइट बी पॉजिटिव माइट बी नेगेटिव. तो हमारे पास ये चीज आ गई. तो यानी कि आपके पास अगर मॉड ऑफ ई की पावर जेड निकालेंगे तो ई की पावर एक्स आएगा और इसका आर्ग्यूमेंट ई की पावर जो है ये आता. एक बार मैं आपको और रिकॉल करवाऊं तो हमें एक बार हमें पढ़ते थे कि भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ई की पावर एक्स जो है ये ऐसा फंक्शन होता है जो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता. यानी कि दूसरे लफ्जों में हम ये बात करते हैं कि e की पावर x का जो फंक्शन है ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता. आप इसमें x की वैल्यू कुछ भी पुट करते रहे ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं आएगा. यानी कि आप कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का जब भी आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर z निकालेंगे तो ये कभी भी इसका आंसर जीरो नहीं आ सकता. इसका आंसर हमेशा कुछ ना कुछ आपको मिलेगा. एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में मैं आपको कहता हूं कि लेट सपोज आपसे मैं कहता हूं कि e की पावर 14 माइनस 0.6 आयोटा को एवोल्यूएट करें. तो इसको एवोल्यूएट करने के लिए सबसे पहले मैं अगर आपसे कहूं तो इसमें आप फाइंड करेंगे e की पावर x एंड व्हाट इज e की पावर x, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ e की पावर z. e की पावर x का मतलब है आप ये करोगे कि e की पावर 14 को कैलकुलेट करोगे. और सेकेंडली आप फिर जो है इसमें अगर आपसे कहा जाए कि इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकाले तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड नहीं सॉरी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ ई की पावर जेड निकालना. तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ ई की पावर जेड निकालने के लिए हमें पता है दिस इज इक्वल टू वाई ओनली. एंड व्हाट इज वाई हियर, अगर मैं मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ 14 माइनस 0.6 आयोटा, हमें पता है कि ये जो होता है दिस थिंग, ये जो आपके पास चीज होती है दिस इज योर आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, मुझे कहना चाहिए प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ ई की पावर जेड होता है. जैसे हमने ऊपर बात किया कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ ई की पावर जेड जो है ये सिंपली ये जो एक्सपोनेंशियल की पावर है इसमें जो आयोटा के साथ जो चीज होती है दिस इज योर आर्ग्यूमेंट. ये आपके पास सामने बात ग्रीन से जो मैंने लिखा हुआ ये सामने आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा. अच्छा इसमें अगर आप क्वाड्रेंट डिसाइड करें इसका क्वाड्रेंट कौन सा है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वाड्रेंट इज फोर्थ क्वाड्रेंट. तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आना भी नेगेटिव में चाहिए था,
फ्रॉम माइनस पाई से पाई तक इसकी वैल्यू होती है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ ई की पावर जेड जो आ रहा है ये माइनस 0.6 आ रहा है। जस्ट आपको पता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ ई की पावर जेड जो है ये वाई में इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई ऐड करते हो और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में ऐड नहीं करते, ये डिफरेंस होता है, हम पहले भी ये बात पढ़ चुके हैं। तो ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हमने निकाल लिया, तो हमें बस इस इक्वेशन के अंदर हम ये चीज निकाल चुके हैं। अच्छा, इसमें आपको अगर ये वैल्यू निकालना चाहे e की पावर 14 माइनस 0.6 आया होगा, ये जो दो इक्वेशन है ये एक्चुअली मैं ऊपर जो मैंने डिस्कशन किया उसको एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड और e की पावर x ये कैसे निकालते हैं। और अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन मैंने आपको बताई थी जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिस्कस कर रहा था, ये हमने कहा था जैसे v इक्वल्स टू e की पावर 14 एंड कॉस ऑफ माइनस 0.6 और प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस 0.6। कैलकुलेटर को रेडियन में करके आप ये चीज इजीली एवेल्युएट कर सकते हो। ये चीज मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, इसको जस्ट आप एवेल्युएट कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन जो है जो इस कॉन्सेप्ट की आती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, अगर आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, मतलब लेट सपोज मेरे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है ई की पावर जेड इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। मतलब सॉल्व करने का मतलब होता है कि आप इधर वेरिएबल की वैल्यू ऐसे फाइंड करें सच डेट वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, यानी कि मुझे सॉल्व करना है, यानी कि वेरिएबल जेड की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। एंड वॉट इज जेड, वी नो जेड इज इक्वल टू है एक्स प्लस आयोटा वाई के। तो मुझे इसमें दो चीजें फाइंड करनी है, एक एक्स रिक्वायर्ड है, दूसरा वाई रिक्वायर्ड है। फ्रॉम अबव इक्वेशंस हमें एक बात पता है कि मॉड ऑफ ई की पावर जेड जो है ये बराबर होता है ई की पावर एक्स के, और ई की पावर एक्स के इक्वल होता है। तो व्हाट इज ई की पावर एक्स, ये चीज तो मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। मुझे फ्रॉम गिवन इक्वेशन, में एक चीज मुझे क्लियरली जो नजर आ रही है, e की पावर z लिखा हुआ है। e की पावर z को जब मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन जहां पर डिफाइन किया उसके अकॉर्डिंग मैं इसको लिख सकता हूं e की पावर x cos y प्लस आयोटा sin y इज इक्वल्स टू होता है, इज इक्वल्स टू दिया हुआ ये 3 + 4 आयोटा। ये चीज जो है मैंने क्या किया, जो आपके पास इक्वेशन दी हुई थी इसमें लेफ्ट साइड के ऊपर e की पावर z इसके इक्वल होते हैं, हमने ये चीज निकाल ली। अब जो मेरे पास ये वाली इक्वेशन है इसको चले मैं नाम भी दे देता हूँ इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर वन में अगर मैं ये वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करूं, इक्वेशन नंबर वन ये कहती है कि ई की पावर एक्स, व्हाट इज ई की पावर एक्स, तो अगर मैं ई की पावर एक्स कैलकुलेट करूं, e की पावर x कैलकुलेट करने का मतलब है कि यू विल टेक मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड। मतलब इक्वेशन वन क्या सजेस्ट कर रही है, इक्वेशन वन ये सजेस्ट कर रही है कि आप दोनों साइड पर मॉड्यूलस ले लें, मतलब मॉड ऑफ e की पावर z, मॉड ऑफ e की पावर z ये क्या चीज दी है, ये भी e की पावर z के इक्वल है। व्हाट इज इट, दिस इज e की पावर z, दोनों साइड पर मॉड्यूलस ले लें। तो इस लेफ्ट साइड पर मॉड्यूलस लेंगे तो सिर्फ e की पावर x बचेगा, राइट साइड पर e की अगर आप मॉड्यूलस लेंगे तो ये आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये मैंने वही अबव इंफॉर्मेशन जो हमने ऊपर डिस्कस की थी, ये वाली दिस इंफॉर्मेशन, मैंने इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे यूज किया कि आपके पास जब आप इस इक्वेशन का मॉड्यूलस लेते हैं दोनों साइड पे, ये मैं वाले का e की पावर z इक्वल्स टू दिस थिंग, तो इसका मॉड्यूलस लेते हैं मॉड ऑफ e की पावर z, जब हम मॉड्यूलस लेते हैं तो ये जो ब्रैकेट है ये cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर की वजह से 1 हो जाता है और इधर सिर्फ e की पावर x बचता है और इधर मॉड्यूलस ऑफ e की पावर z बचता है। तो मैंने वही सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ पे भी अप्लाई किया, अगर मैं दोनों साइड पे मॉड्यूलस ले लूं, दिस व्हाट इज दिस थिंग, दिस इज e की पावर z के इक्वल है, तो दोनों साइड पे मॉड्यूलस लिया तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे e की पावर x बचेगा, राइट साइड का मॉड्यूलस लेंगे तो ये हमारे पास 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 16 25 का रूट इज 5। तो मेरे पास इधर आ गया e की पावर x इज
equals to 5. Or what if x, x is any real number, we can take ln on both sides to take the out the value of x. So x ki value aa gayi ln 5 ke barabar. ln 5 kya hota, aap isko chahe to points pe calculate karna chahe points pe calculate kar lega. Baharal hamare paas z mein do cheeze required thi, ek x required tha, dusra y required tha. To maine usme se ek cheez find kar liya. Ab main yahan pe dusri cheez find karne ja raha hu, aur dusri cheez find karne ke liye mere paas जो गिवन है ये वाली जो इक्वेशन है इसका चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूं. दिस वन इज योर इक्वेशन नंबर 2 का नाम अगर रख दूं मैं इसका, तो इक्वेशन नंबर 2 में अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल होते हैं तो उनके रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर किया जा सकता है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से आप कंपेयर कर सकते हो. तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से अगर कंपेयर करेंगे तो इधर बच जाएगा e की पावर x cos y is equals to 3. और अगर मैं imaginary part को imaginary part से compare करूँगा तो ख्याल रखिएगा e की power x पहले bracket से multiply कीजिएगा, then comparison करेगा, because e की power x जो ये दोनों से multiply हो रहा है. तो e की power x sin y is equals to 4 हो जाएगा. तो यहाँ से हमें e की power x की value पता है, यहाँ रहा है cos y, e की पावर x is 5 के इक्वल, तो ये आ जाएगा cos y is equals to 3 over 5, और अगेन e की पावर x is equals to 5, तो sin y is equals to हो जाएगा 4 upon 5. Both are positive, cos is also positive and sin is also positive, तो यहाँ से हमें quadrant का idea हो रहा है कि यहाँ पे quadrant कौन सा यूज हो रहा है. तो किसी को भी यूज करके आप जो है y की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो कैलकुलेटर को रेडियन में जरूर कीजिएगा. आप यहां से इन दोनों में से किसी से भी y की वैल्यू जब निकालेंगे तो वो आ जाएगी y इक्वल्स टू 0.927 y की वैल्यू आ गई. अच्छा, हमने अभी ऊपर जो एक पेज पे इधर हमने बात की थी कि जो आपका e की पावर z होता है, इसका आप जब आर्गुमेंट निकालते हैं तो ये बराबर होता है y प्लस 2 के पाई के इक्वल होता है. तो इसी चीज को अगर मैं यहां पे यूज करूं तो मेरे पास फाइनली जो z की वैल्यू आएगी वो z की वैल्यू होती है x प्लस iota y. x आ रहा है आपका, चाहे तो ln 5 को भी पॉइंट्स में कर लीजिए, बहरहाल मैंने नहीं किया, आप चाहे तो कर लीजिएगा. ln 5 प्लस y क्या है, y क्या है बारे में हमने कहा है कि ये जो है अभी जो मैंने निकाला है व्हाट इज दिस थिंग, दिस इज योर प्रिंसिपल आर्गुमेंट. और अगर आप इसका यूनिक आंसर निकालना चाह रहे हैं तो ये इसमें सिंपली 0.927 ही सिर्फ अपॉन 927 आयोटा लिख दीजिएगा. और अगर आप चाह रहे हैं कि मतलब ये एक आंसर है इसका, इसमें 0.927 आयोटा आ जाएगा. और दूसरा इसका एक आंसर ये भी हो सकता है कि मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ e की पावर z फाइंड करो, आर्ग्यूमेंट ऑफ e की पावर z होता है जैसे हम पर हमने डिस्कस किया है कि ये y प्लस 2 के पाई के इक्वल होता है. तो यानी कि हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ e की पावर z विल बी इक्वल्स टू 0.927 प्लस 2 के पाई एंड k बिलोंग्स टू एनी इंटीजर नंबर. तो यानी कि हमारे पास ये जो y की वैल्यू है, इस y की वैल्यू को आप लिख सकते हैं ln 5 प्लस 0.927 प्लस 2 के पाई, ये दोनों के साथ आयोटा आएगा एंड k बिलोंग्स टू z. ये हमने क्या किया है, ये जो गिवन इक्वेशन थी उसको सॉल्व किया. अब आपके पास ये दोनों में से ये सॉरी एक एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है. ये मेरे पास y नहीं था, दिस इज योर z नॉट y, इसको करेक्ट कर लेते हैं. सॉरी ये z है. मैंने क्या किया, सिंपली ये किया कि आप ये अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट यूज करना चाह रहे हैं तो ये आंसर हो जाएगा. अगर आप एक से ज्यादा आंसर चाह रहे हैं मतलब पीरियोडिसिटी की वजह से, हमें पता है कि साइन एंगल पीरियोडिक होता है, कॉस भी पीरियोडिक होता है, तो बार बार वैल्यूज रिपीट होती रहती हैं उसमें. तो पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करके हम जो है इसमें कह सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल आंसर्स आएंगे. तो हमारे पास
जो एक आंसर आया है वो एक तो ये है कि अगर आप यूनिक आंसर चाह रहे हैं जो इसका इक्वेशन है इसका कोई यूनिक सोल्यूशन चाहिए तो आप दिस इज योर आंसर यहाँ पे स्टॉप हो जाए। अगर आप चाह रहे हैं कि इसमें तमाम ऑल पॉसिबल वैल्यूज जो है जेड की वो फाइंड करें, ये रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है कि आपको इसमें कौन सा वाला आंसर को जो है कंसीडर करना है। आप तमाम पॉसिबल वैल्यूज चाह रहे हैं जेड की तो आप ये नीचे वाले आंसर को कंसीडर कर लें, अगर आप ये चाह रहे हैं कि इसका यूनिक आंसर है तो इसको कंसीडर कर लें। तो बहरहाल हमने इस एग्जाम्पल के अंदर ये बात सीखी कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ जाए किसी भी इक्वेशन के अंदर तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, मतलब जेड की वैल्यू ऐसे केसेस में कैसे निकाली जाती है। तो बहुत सिंपल था, आपने सिंपल जो गिवन इक्वेशन थी, गिवन इक्वेशन में लेफ्ट साइड ई की पावर जेड था, उसमें ई की पावर एक्स जो कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई के बराबर होता है फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दोनों साइड पे मॉड्यूलस लेंगे तो e की पावर x की वैल्यू आ जाएगी और हैंड्स हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। और इसके अलावा अगर मैं देखूं इसमें जो इक्वेशन नंबर 2 है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर कर सकता हूं बिकॉज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, तो कंपेयर करेंगे तो हमारे पास इधर 3 आ जाएगा इधर 4 आ जाएगा। तो e की पावर x जो है ये 5 के इक्वल था, ऊपर हम देख चुके हैं, तो ये 3/5 हो गया, इधर e की पावर x भी 5 के इक्वल था तो ये 4/5 के इक्वल आ गया। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.927 इज इक्वल टू प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, मतलब ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है और ये पॉजिटिव ही आएगी क्योंकि कॉस और साइन दोनों पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही आंसर आना चाहिए था, तो ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आ रहा है। आपको पता है कि वाई अभी आ गया, एक्स भी आ गया, तो जेड जो है एक्स प्लस आयोटा वाई, अगर आप प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट यूज करना चाह रहे हैं तो ये हो जाएगा। अगर आप जो है इसमें एक मल्टीपल आंसर्स चाह रहे हैं, तमाम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ जेड फाइंड करना चाह रहे हैं तो इसमें ये वाला आर्ग्यूमेंट यूज करके इसमें 2k π को जस्ट एड कर दें तो तमाम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिल जाएंगी। तो आज के लेक्चर के लिए फिलहाल मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को यहीं पर स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में हम जो बाकी रिमेनिंग के जो हमारे पास एलिमेंट्री फंक्शंस है यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शंस है, लॉगरिथमिक फंक्शंस है और ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस है, हम उसको इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।